दोस्तों गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रजनी है। बाय प्रोफेशन मैं एक होम मेकर हूँ और पिछले 18 महीनों से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मैं अपने पति के साथ इसे सीख रही हूँ और अब तक जो हमारी इस बिजनेस में जर्नी है वो क्राउन डायरेक्टर तक आ पहुँची है। इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी दीपल मैम और नीलेश सर का और MWW का और वेस्टिज का, क्योंकि इस माध्यम से मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा जो जन्म है वो मुंबई में ही हुआ है और बहुत छोटी उम्र में 10 साल की थी मैं, तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया। और एक छोटी उम्र में अगर माता पिता का अगर देहांत होता है तो आप समझ ही सकते हो एक लड़की के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। मेरे मम्मी पापा के पास गुजरने के बाद मेरा जो सहारा था वो मेरा छोटा भाई था, पर कुछ कारण से हम दोनों साथ नहीं रह सकते थे क्योंकि हमें दोनों को कोई साथ में नहीं रखना चाहता था। एक बुआ के पास था और मुझे मेरे अंकल थे उन्होंने ले लिया था, तो ऐसे हम दोनों भी बिछड़ गए। तो उस दौरान मेरे जो अंकल थे उनकी भी हालत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि वो मतलब मुझे भी संभाल सके, क्योंकि ऑलरेडी उनके भी 5 बच्चे थे, तो उसमें अगर मैं जाती हूँ तो एक छठा हो जा 6 बच्चे हो जाते और उनकी भी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी उनकी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसी वजह से वो भी मुझे संभालने में सक्षम नहीं थे। एक तो छोटी उम्र और दूसरे का घर और भाई का भी साथ नहीं और मम्मी पापा का भी साथ नहीं था, तो बहुत दुख होता था। मैं मम्मी की साड़ी जो थी वही मेरे पास मेरा सहारा थी, वो साड़ी में मुंह छुपा के मैं पूरी रात रोती थी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि ऐसी मुसीबत कभी भी किसी बच्चे पे ना आए। वो कहते हैं ना कि जिंदगी रास्ते ढूंढ ही लेती है, ऐसे ही मेरे जीवन में चमत्कार हुआ और भगवान का रूप लेके एक इंसान मेरे जीवन में आए। वो आकर मेरे अंकल से कहने लगे कि मैं इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और वो ऐसा करके और मेरे अंकल भी तैयार हो गए और उन्होंने मुझे उनके साथ भेज दिया और मैं उनके घर गई। उनके घर आने के बाद मैं उनको पापा कहती हूँ जिन्होंने मुझे अपने घर लेके आए। तो मैं पापा के घर आने के बाद उनके भी 2 बच्चे थे, वो भी स्कूल जाते थे, तो मैंने एक दिन पापा से कहा कि मैं भी स्कूल जाऊंगी, तो पापा ने मुझे कहा कि मैं 3 बच्चों का खर्चा उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, हाँ पर मैं एक कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें घर में ट्यूशन लगाता हूँ, तुम घर में बैठे पढ़ सकती हो। तो ऐसे करके मेरी पढ़ाई जो है वो शुरू हुई, मेरा पढ़ाई चालू था, घर भी संभालती थी मैं। और उसके बाद मुझे अपने जिम्मेदारियों का भी एहसास था कि वो मुझे संभाल रहे हैं, उसका भी मुझे एहसास था। तो मैंने ऐसे करके उनसे एक दिन ऐसे बात की कि मुझे इसके साथ में अगर कुछ इनकम कमाऊं तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये बात मैंने उनसे की। और उन्होंने बोला कि तुम क्या करना चाहती हो, तो मैंने कहा कि मैं अगर सिलाई सीखती हूँ पढ़ते पढ़ते तो मेरा उसमें से अगर कुछ अर्न कर पाई तो मैं अपने लिए कुछ कमा पाई तो अच्छी बात होगी। तो ऐसे जब मैंने उनसे बात छेड़ी तो उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहन दिया कि बोले ठीक है तुम अगर सिलाई सीखना चाहती हो तो मैं उसके लिए भी तुमको ये करता हूँ सिखाता हूँ। और इस तरह से मैं पढ़ते पढ़ते सिलाई का काम भी सीख रही थी, बहुत अच्छे से सीखना मतलब कम टाइम में मैं बहुत अच्छे से सीखना चालू किया था मैंने। तो उन्होंने उस सीखने का मेरा जो ये जुनून था उन्होंने देखा और मुझे उन्होंने उस टाइम पे बोले कि ठीक है तू सीख रही है तो मैं तुम्हें एक मशीन लाके देता हूँ, तुम अपना छोटा मोटा जो भी है आप अपना व्यवसाय शुरू करो। तो उन्होंने मुझे एक मशीन लाके दी और मैंने अपना पढ़ाई करते करते वो अपना काम भी मैंने वहाँ पर शुरू किया। उसके साथ मैंने जैसे जैसे बाहर के कपड़े मिलते थे तो पहला जो मैंने काम शुरुआत की जो टेलर के पास जो कपड़े सिलने आते हैं तो वो जो होते हैं बटन्स वगैरह लगाने का, तो वो काम मैंने पहले बार शुरुआत किया। एक टेलर को मैंने ये करके कि आप मुझे काम दे दो मैं वो करूँगी और मैं उसका जो आप मुझे पैसा दोगे वो मैं ये करूँगी। तो उन्होंने मुझे ब्लाउज देना चालू किया,
और उसको मैं बटन्स और धागा वगैरह ये करके मैं देती थी, और उस टाइम पे मुझे 2 रुपया एक ब्लाउज के पीछे मिलता था। धीरे धीरे मैंने वो करना शुरू किया, बहुत अच्छे पैसे जैसे मुझे आने लगे। तो उसके बाद वो टेलर भी बहुत खुश हुए, बोले कि बेटा तुम इतना कर रही हो तो एक काम करो, आप मैं आपको साड़ियाँ दे दूंगा, आप फॉल बिडिंग करो, उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो मैंने उनसे कहा अच्छा ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो मैं खुश हुई और मैं उनसे कहने लगी कि ठीक है दे दो आप। तो ऐसा करके उन्होंने मुझे साड़ियाँ देना चालू किया, और एक साड़ी की पूंछी मुझे 10 रुपया वो देते थे। तो मुझे इतनी धुन लगी ना कि मैं पूरी रात बैठ के पूरा कम से कम 20-40 ऐसी साड़ियाँ फॉल बिडिंग करती थी, और बहुत अच्छा पैसा मिलने लगा मुझे। तो जब वो पैसे मिलने लगे तो मैं खुश हो जाती थी। तो इसकी वजह से मैं जो पैसा कमाने लगी तो मेरा पढ़ाई के तरफ का जो ध्यान था वो हट गया, क्योंकि मुझे तभी मेरे लिए जीवन में इम्पोर्टेंट जो था वो पैसा था। तो इसीलिए मैं पैसे की तरफ मुड़ गई और पढ़ाई मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दिया। कामकाज जो मैं कामकाज कर रही थी उससे पैसे भी बहुत अच्छे आ रहे थे, तो पापा भी खुश थे कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रही थी। तो उसी दौरान मेरे जो बाजू में आंटी रहती थी उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया, बोला बेटा तुम इतना ना कर रही हो तो उसके साथ ब्यूटिशन का अगर काम करती हो, ब्यूटिशन अगर सीखती हो तो उसमें ज़्यादा तुमको और पैसा तुम कमा सकती हो। जब उन्होंने ऐसी बात की तो मैं एकदम खुश हो गई कि क्यों ना मैं कर सकती हूँ। तो शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि मेरा एजुकेशन थोड़ा कम है तो शायद मैं वहाँ पे फिट होंगी कि नहीं होंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सोच रही थी। फिर 2-3 जो ब्यूटी पार्लर थे वहाँ पे जाके मैंने इंक्वायरी की, तो उन्होंने कहा सीख सकते हो ना, आराम से सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, अगर आप एजुकेशन के इसमें अगर ये हो वीक हो तो आप उस पे ध्यान दीजिए तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने ब्यूटिशन का जो कोर्स है मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। मेरे जो पैसे आते थे मेरे सिलाई से वो मैंने वहाँ पे डाल के मैंने वो क्लास पूरा किया, और आप यकीन नहीं मानोगे मैं वहाँ पे मतलब 3 महीने में इतनी अच्छी ब्यूटिशियन बन गई कि वहाँ पे मुझे जो कस्टमर आते थे ना तो वो कहते थे कि रजनी कहाँ है, वही वो वही हमारा काम करेगी। तो इस तरह से मेरा एक पूरा मतलब बेस बन गया, जो मतलब वो लोग मुझे बाद में फ़ोन करके बोलते थे कि आप घर पे आके करोगे क्या हमारे लिए। तो वहाँ पे मुझे क्लाइंट जो है मुझे 6 महीने में क्लाइंट भी मिलने लगे, तो बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट मेरे बन गए इस काम की वजह से, बहुत अच्छा काम करती थी बोल के। तो वहाँ मैंने शुरुआत की, तो मैंने फिर वो शुरुआत की, मैं वो सोचने लगी कि अगर मैं किसी ब्यूटी पार्लर में अगर काम करूँ तो उससे अच्छा मैं खुद का क्यों ना करूँ। तो ऐसे करके मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया ब्यूटिशन का। 2001 में मैंने ब्यूटिशन का जो काम है वो शुरुआत की मैंने, और 3 सालों में मैंने इतना मेरा बिजनेस बढ़ा लिया कि मेरे इतने बड़े बड़े क्लाइंट हुए वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा पहचान हुई, और उनकी सोच के साथ मैं जब मतलब मैं अपने आप को देखती थी तो और डेवलप होने लगा मेरा जो माइंड है, और मैं बड़ी चीज़ें सोचने लगी, जो मतलब छोटी चीज़ों से मैं बड़ी चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी। उनके बड़े बड़े घर देखती थी तो सोचती थी मेरा भी अपना खुद का घर हुआ, वहाँ से मुझे अपना खुद का घर लेने का सपना मेरे मन में जाग गया। वहाँ से मैंने फिर सोचा कि चलो मैं अपना घर लेके अपने भाई को भी मेरे साथ में लेके आऊँ, तो वो एक मेरा सपना वहाँ पे मतलब लोगों के साथ मिलना। तो वहाँ पे मुझे एक बात समझ में आई, अगर आप बड़ी सोच वाले लोगों के साथ या बड़े लोगों के साथ जब अपनी सोच को मिलाते हो तो आप आगे बढ़ने का एक रास्ता ढूंढ सकते हो। तो इस वजह से मैं जो है वो ग्रो करने लगी, उनकी तरह सोचना, उनकी तरह बात करना, उनकी तरह रहना, ये सब मेरे ऑटोमेटिक अंदर आने लगा। क्योंकि जैसे मेरे क्लाइंट है कोई अमेरिका में कोई बाहर रहता था तो वो लोग सब आते थे यहाँ पे तो सिर्फ मुझे ही ये करते थे, कॉल करते थे कि आप आ जाओ मुझे ये करना है वो करना है। तो इस तरह से मेरा काम बढ़ गया। लोगों के बड़े बड़े घर देखने के बाद मेरे भी अंदर सपना जागा कि मैं भी अपना खुद का घर बनाऊं।
तो इसके लिए मैंने अपने पापा से, जो मुझे संभालते थे, उनसे बात की कि मैं अपना घर लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने भी हंसी में टाल दिया था, और मैं जिससे भी बोलती थी कि मैं अपना खुद का घर लूँगी तो सबको मजाक लगता था और हंसते थे कि अच्छा तुम घर लोगी, अच्छा, ऐसे बोलते थे। तो बहुत अंदर से फील भी होता था, पर अंदर से और एक मन बोलता था कि नहीं, तू ले सकती हूँ, ले सकती हो। और मैं, मेरे मेहनत पे भी मुझे भरोसा था, और जो मेरे जो कुछ क्लाइंट ऐसे थे जो मुझे बहुत मतलब प्यार करते थे और मुझे कैसे जीवन में ये करना है वो भी मुझे सलाह देते थे। तो उनको जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, ले सकती हो तुम भी। तो इस तरह से मैंने घर लेने का सोचा। फिर दोस्तों क्या, घर बनाने का मैंने इरादा पक्का किया और मैंने बहुत मेहनत की। 3 साल मैंने बहुत मतलब दिन ना दिन देखा, ना दोपहर ना रात, मैं बहुत सारी मेहनत करके मैंने 3 साल में मैंने अपना खुद का घर ले लिया। बड़ा नहीं था, पर वन रूम किचन ही था, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ा था क्योंकि मेरा सपना था वो, और मैंने उसे अपने हाथों से पूरा सजाया था। और सबसे अच्छी बात, मतलब सबसे आनंद वाली जो बात थी कि मेरा भाई जो था वो भी मेरे साथ उस घर में रह रहा था। हम 10 साल के बाद एक होके हम वहाँ पे रह रहे थे, तो वो जो मोमेंट था वो मेरे लिए एक स्पेशल था और बहुत खुशी का मोमेंट था। इस छोटी सी उम्र में मैंने 3 बातों का पूरा दिमाग में मैंने बिता लिया था। एक तो है पहले हिम्मत, अगर आप हिम्मत करो तो आपको जो चीज़ आप चाहोगे वो ज़रूर मिलेगी। दूसरी, अपनी सोच, अगर आप अच्छी रखोगे और बड़े लोगों की तरह आप सोचोगे तो ही आप बड़े लोगों की तरह सोच कर बड़े लोगों की तरह काम अगर करोगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। और तीसरी, अगर मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं है, उसे पकड़ना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ब्यूटिशियन का जब मुझे मौका मिला, अगर मैं छोड़ देती तो शायद मैं अपना घर नहीं ले पाती और उस जगह से मैं बाहर नहीं निकल पाती। तो जब भी आपको कोई भी मौका मिले, आप, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, जो चाहती थी वो मैं खरीदती थी, कपड़े भी जो बचपन में मुझे नहीं मतलब जैसे मुझे चाहिए थे वैसे नहीं मिले, पर मैं जब अपना काम शुरुआत किया था तो मैं जो मुझे चाहिए था वो मैं लेती थी। मैं घड़ी मुझे जो चाहिए वो ली, मुझे गहने बनाने थे मैंने गहने बनाए, फिर मैंने जो कपड़े चाहिए वो लेती थी। तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत खुशी से चल रही थी। फिर मेरे जीवन में फिर एक मौका, अमेरिका जाने का एक मौका मिला मुझे। तो वहाँ पे मुझे मेरी जो एक क्लाइंट है उन्होंने मुझे बोला कि आप इतना अच्छा काम करते हो तो मैं आपको वहाँ पे ब्यूटी पार्लर में वहाँ पे आपको मैं लेके जाऊँगी, वहाँ पे आपको जॉब लगाऊँगी, आप वहाँ पे करिएगा और आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगी। तो फिर एक अच्छा मौका आया तो फिर क्या, पैसा कमाऊँगी बोला तो मैं तैयार हो गई। पर उसी दौरान मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो मैंने अब भाई से बात किया मेरे, तो वो उसने कहा कि ठीक है पासपोर्ट हम बनवा लेंगे। तो उन्होंने एक एजेंसी में कॉल किया और पासपोर्ट बनाने का उनको पेपर्स वगैरह दिए। तो जिनको दिया था पेपर्स तो उन्होंने मेरे नाम में मिस्टेक कर दिया था, तो वो इसलिए मैं उनको फ़ोन उन्होंने जब मैंने उनको फ़ोन किया तो मैंने बताया कि मेरा इसमें आपने मिस्टेक किया, तो उनके साथ मेरी थोड़ी बहस हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैम, हम आपका पासपोर्ट जो है हम ठीक तरह से कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम बना देंगे। तो ऐसे बोल के उन्होंने मुझे वादा किया। उस दौरान मेरी बातचीत उनसे हो ही रही थी, 2-4 बार उनका कॉल आया तो बातचीत हो रही थी। तो इसी दौरान हमारी दोस्ती भी हो गई उनके साथ, और वो जब बात करते थे तो बहुत सुलझे हुए इंसान लगे मुझे, क्योंकि मैं ऐसे थोड़ा बात किसी से ज़्यादा करती नहीं थी, पर उनके साथ काफ़ी ट्यूनिंग मेरा जम गया था तो मैं उनके साथ बात कर लेती थी। इसी तरह से मेरा पासपोर्ट बन के आ गया। फिर एक दिन वो गोरेगांव किसी काम की वजह से आए थे, तो उन्होंने कॉल किया कि मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप आए हो तो मिलते हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने गई। और मेरे घर के नज़दीक ही थे तो मैंने उनसे कहा कि मेरा घर यहाँ पे ही है नज़दीक, तो चलिए चाय पीते हैं। तो उन्होंने कहा, पहले तो मना कर रहे थे, फिर बोले कि ठीक है, मैंने थोड़ा सा इंसिस्ट किया तो बोले कि ठीक है चलिए। तो मेरे घर पे आए और
मेरा घर देख के बड़े खुश हुए, बोले बहुत अच्छा घर बनाया है आपने, और उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो बहुत मेरी तारीफ किए कि आपने अकेले घर लिया और इतना स्ट्रगल किया आपने, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनको चाय दी, चाय पिए, वो बैठे थे चेयर पे, और मैंने उनसे एक ही सवाल किया, और चाय पीते पीते वो इतने मतलब उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैंने उनसे क्या बात की। ये बात सुन के वो मुझे कहने लगे कि मैं अपनी सिस्टर से बात करता हूँ, और ऐसा कह के वो वहाँ से 9-2-11 हो गए। इतने डर गए थे वो। फिर हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, हमारे विचार जो है वो काफ़ी मिलते थे एक दूसरे से, तो इसकी वजह से हम जो है फिर से मतलब मिले और आगे बात बढ़ गई। अब मेरे पास दो चॉइस थे कि मैं मेरा अच्छा करियर करने के लिए मैं अमेरिका जाऊँ या एक अच्छे आदमी के साथ मैं सारी ज़िंदगी बिताऊँ। तो मैंने उस अच्छे आदमी को चुना अपनी सारी ज़िंदगी बिताने के लिए। तो मैं आपसे उस अच्छे आदमी का आप नाम सुनना चाहोगे? उस अच्छे आदमी का नाम है किशोर गुप्ता, जो सबके फेवरेट है। मैंने चुन तो लिया किशोर जी को, पर जहाँ मेरा अमेरिका जाना था उन्होंने सब पूरी तैयारी की थी, वो भी मेरे से नाराज़ हुए कि अब तुम डिसीजन तुम्हारा चेंज किया करके। पर जब मैंने किशोर जी के बारे में उनको बताया और बाकी सब चीज़ों के बारे में तो उनको पता ही था, तो वो भी खुश हुए कि आप यहाँ पे रह के अपना घर बसाओ और सुखी रहो। फिर मैंने अपने पापा को बताया कि किशोर जी के बारे में जब बताया तो वो किशोर जी नॉर्थ के है बोल के थोड़ा पापा गुस्सा हुए, और फिर मिलना था उनको कौन है करके। तो मैंने पापा से जब उनको मिलाया तो उनसे थोड़ी बातचीत होने के बाद वो भी मतलब तैयार हो गए कि ठीक है चलो आप कर लो शादी करके। और फिर कुछ महीनों के बाद हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं इनके घर पे आई तो वो नॉर्थ के थे तो सब कुछ माहौल अलग था। मैं महाराष्ट्र से थी तो मेरे लिए सब कुछ नया नया था। उनके भी अपने काफ़ी सारी जिम्मेदारियां थी तो वो भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे। इसी तरह से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद किशोर जी सब कुछ मेरे बारे में जानते थे तो किशोर जी ने मुझे एक ही बात कही कि आप काफ़ी सारा स्ट्रगल किए हो तो इसी वजह से अभी तुम एंजॉय करो जीवन को। तो इसी तरह मैंने अपना जो पार्लर का काम था वो मैंने बंद कर दिया और अपना पूरी तरह से अपना घर और सब कुछ संभालने लगी। इस दौरान मुझे 2 बच्चे हुए, काफ़ी हम एंजॉय कर रहे थे, बहुत खूबसूरत सी ज़िंदगी चल रही थी। फिर ऐसे में हमारे 7-8 साल कैसे गुजरे हमें पता ही नहीं चल। भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा था। किसी बात की तो कभी नहीं करते थे किशोर जी, गाड़ी थी, घर था, छोटे मेरे बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ की कमी थी। फिर भी मैं किशोर से हमेशा कहती थी कि मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि अभी काफ़ी साल हो गए थे, मैंने लाइफ को एंजॉय भी किया, काफ़ी बच्चों के साथ भी एंजॉय किया, और अभी कैसे बच्चे स्कूल जाते थे तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता था, तो मैं अपना कुछ करना चाहती थी। तो मैंने इस बारे में किशोर जी से बात की कि किशोर जी को मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है, और किशोर जी का जो बिजनेस था वो बिजनेस होने के नाते उसमें वो उतार चढ़ाव तो रहते ही है, तो इसी वजह से मैंने मतलब उन्होंने कमी तो नहीं की थी, फिर भी मैं चाहती थी कि कुछ हेल्प करूं। तो मैंने उनसे बात किया कि मैं कुछ करूं क्या, तो उन्होंने कहा अगर आप करना चाहती हो तो आप करो, ऐसा कुछ उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए। और उसी दौरान मैं कुछ ढूंढ ही रही थी तो उसी दौरान हमारे सोसाइटी में एक हमारे जो दोस्त है उन्होंने मुझे एक मीटिंग के लिए घर पे बुलाया, तो मैंने उनसे कहा ठीक है मैं आती हूँ करके, पर मैं मतलब उस मीटिंग के लिए नहीं गई थी। तो उसी मीटिंग ख़त्म होने के बाद वही मेरे घर पे आए शाम को और मुझे कहा कि ये बॉटल पकड़ो, तो मैंने बोला क्या है, तो बोले ये कपड़ा धोने का लिक्विड है आप यूज़ करो और मुझे बताओ कि ये कैसा है। तो मैंने कहा ठीक है यूज़ करके बताती हूँ। तो मैंने वो बॉटल आधी बॉटल उन्होंने मुझे दी थी
तो मैंने यूज किया, मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा तो मैंने, उन्होंने फिर मुझे 4 दिन के बाद मतलब वो मेरे घर पे आए कुछ और सारे प्रोडक्ट लेके, और मुझे पूछने लगे कि आपको कैसा लगा लिक्विड। तो मैंने कहा बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो और भी मेरे पास प्रोडक्ट है, आप देख लो इसमें से आपको कुछ प्रोडक्ट अगर पसंद आते हैं तो आप यूज़ करो। तो उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट दिखाए, अब मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि दोस्त थे, तो मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट उनसे ले लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप इतने सारे प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप एक काम करो ना, आप आईडी बना दो। तो मैं बोली अच्छा, आईडी बनाने से क्या होगा? तो बोले आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप इसके साथ बिजनेस कर सकते हो। तो बोले अच्छा, बिजनेस कर सकते हैं? तो बोले हाँ। तो मुझे भी उसमें मौका दिखा, तो मैं तो वैसे भी मौका देखने के बाद छोड़ने वाली तो नहीं हूँ। तो इस तरह से मैंने कहा ठीक है, मेरा फॉर्म भर दीजिए। और किशोर जी तभी घर पे नहीं थे, मैंने फॉर्म भर दिया और सामान भी ले लिया उनसे। सामान लेने के बाद जब किशोर जी शाम को घर आए तो मैंने उनको खुशी खुशी बताया कि देखिए ना, ये सामान है और बहुत अच्छा सामान है, हम यूज़ करेंगे तो हमको इसमें बेनिफिट भी है और हम बिजनेस कर सकते हैं। तो वो तो पहले हंसे और बोले अच्छा, बिजनेस कर सकते हो, आप बिजनेस करोगे? मैं बोली हाँ। तो बोले ठीक है करो, पर उन्होंने मना नहीं किया मुझे, वो बोले हाँ करना चाहती हो करो, और जो यूज़ कर कहीं और से हम अगर सामान लेते ही है तो वो यहाँ से हम लेंगे, और काम भी अगर तुम्हारा हो रहा है तो करने में क्या हर्ज है, पर उसमें मुझे तुम लेना नहीं, मुझे उसमें कहीं इन्वॉल्व मत करना। तो उसी शर्त पे उन्होंने मुझे वो काम करने के लिए हाँ कह दी, और इसी तरह से हमारे घर में वेस्टिज का आगमन हुआ और हमने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। और सच मानिए, प्रोडक्ट इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। जब मुझे उनके सप्लीमेंट के बारे में मालूम पड़ा तो मेरी सासू माँ के लिए मैंने कुछ सप्लीमेंट मंगाए कुछ सप्लीमेंट मंगाए और उनको थोड़ा थोड़ा उनके शरीर में भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लगा। तो किशोर जी को भी अच्छे लगने लगे प्रोडक्ट, वो भी यूज़ कर रहे थे तो उनको भी प्रोडक्ट अच्छे लगे। कपड़े में धोती थी तो वो पूछते थे अच्छा ये कैसे धोया आपने, इतना वाइट शर्ट कैसे हुआ? तो मैं बताती थी देखो ये मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो सबसे अच्छा है, तो आप इससे मैं एक कपड़ा धोया। प्रोडक्ट किशोर जी को भी बहुत अच्छे लगे, वो भी यूज़ कर रहे थे। अगर मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो वो यहाँ से सुनते थे और यहाँ से निकाल देते थे, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। मैं आके उनको खुशी से बताती थी अगर ये क्लाइंट ने मेरे से इतना सामान लिया, तो भी वो कभी खुश नहीं होते थे, बोलते थे हाँ ठीक है ऐसे करते थे। एक दिन वो दोपहर में ऐसे ही जल्दी आए तो मैंने उनको 2-3 वीडियो जो थे यूट्यूब पे वो मैंने उनको बोले कि आप आज देख लीजिए, मेरे लिए देख लीजिए। तो मैंने जो महंती जी का वीडियो था वो उन्हें मैंने देखने दिया, और वो एक एक वीडियो देख रहे थे, देखते देखते उन्होंने रात के 2 बज गए। तो मैं भी कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि मैं बोल रही थी चलो देख रहे तो अच्छा है, ऐसे करके मैंने भी छोड़ दिया और वो पूरी तरह से देखने लगे। और दूसरे दिन जो है एकदम अचानक पूरा चेंज हो गए, पूरे एक एक प्रोडक्ट ले रहे थे, फिर उसका डेमो कर रहे थे, इसमें डालो उसमें डालो, ये लेके आओ और हल्दी लेके आओ और वो लेके आओ, ऐसे करके वो पूरा डेमो करने लगे। तो मैं एकदम हैरान हो गई कि इनको क्या हो गया अचानक। फिर मतलब 2-3 दिन वो बाहर जाते थे, आते नहीं थे जल्दी। तो मैं बोली कहाँ आप इतना टाइम, तो नहीं वो वेस्टिज के ये मीटिंग में गया, मैं वो मीटिंग में गया, तो काफ़ी सारे उन्होंने CNT अटेंड किए। तो मैं भी शॉक हो गई कि जो वो इंसान बोलता था कि मुझे इस बिजनेस में इन्वॉल्व मत करो, और इनको अचानक क्या हो गया। तो पहला जब मैंने उनको चेक दिखाया था, मेरा 199 का चेक आया था, तो मैंने उनको दिखाया था, तभी तो ये बोले थे कि ये 199 का चेक आया है आपका, अच्छा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, ऐसे बोले थे, और ये अचानक अभी क्या हो गया। तो ऐसे करके मतलब जो मेरा सेकेंड मंथ का भी चेक आया जो था 299 का, तो वो जब चेक दिखाया तभी भी मुझे उन्होंने बोला था कि ये तो 2 महीने का चेक अगर हम एक करते हैं तो एक टाइम का होटल में हम खाना भी नहीं खा सकते, तो ये आपका बिजनेस चल रहा है, ऐसा बोल के वो हंसे थे। और मैं बोली ये अभी अचानक क्या हो गया कि पूरे एकदम इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, और ये ढूंढ रहे क्या ढूंढ रहे थे पता नहीं, पूरा मेरे जो अपलाइन है उनको बुलाया घर पे,
फिर हमने जो प्लान देखा नहीं था वो प्लान भी हमने फिर से देखा। फिर एक दिन शाम को वो जल्दी घर पे आए और मुझे कहने लगे कि मुझे आपसे बात करनी है, तो हम बाहर जाते हैं। तो मुझे पता था, क्योंकि वो हमेशा जब कोई भी इम्पोर्टेंट बात करनी होती है तो वो हमेशा मुझे बाहर लेके जाते हैं और बात करते हैं। तो इस तरह से हम बाहर गए और फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठ के मुझे कहा कि हम अभी पूरी तरह से वेस्टेज करेंगे। तो जब उन्होंने ये बात मुझसे कही तो मुझे वो एकदम अजीब लगा कि मुझे, मतलब ये बिजनेस पूरी तरह से करियर के हिसाब से मैंने इसे नहीं लिया था। मैंने एज एक पार्ट टाइम कुछ अर्न करूँ इस हिसाब से मैंने उसे लिया था, तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। पर जब उन्होंने ये कहा कि हम पूरी तरह से अब वेस्टेज करेंगे तो मैं शॉक थी। तो मैं उन पे थोड़ा सा ये किया कि अपना जो अच्छा बिजनेस है उसको आप ये करके हमें ये नहीं करना है। तो तभी उन्होंने मुझे एक बात बताई कि इस बिजनेस में हमारी जो, जहाँ पे हमारी ग्रोथ रुकी है, जो पैसे की हमारी जो ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए निकलने के लिए हमें ये रास्ता बहुत अच्छा है, हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। और दूसरी जो बात है, उन्होंने कही कि अगर हम ये बिजनेस करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों से हम मिल सकते हैं जो हमारे दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि उनके भी ज़्यादा रिलेटिव यहाँ पे नहीं है और मेरे भी रिलेटिव जो है उनके साथ ज़्यादा मेरा बॉन्डिंग नहीं है। तो उन्होंने ऐसा जब बात की तो मैं भी थोड़ी सी, मैंने बोला ठीक है। तो ऐसे करके हम दोनों ने डिसाइड किया कि एज अ करियर करके हम वेस्टेज को लेंगे। और 2019 में हमने जनवरी में इसकी पूरी तरह से हमने एक अच्छे से शुरुआत की। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अगर मेरा काम भी स्टॉप करता हूँ तो भी मैं आपको 6 महीने में यहाँ पे आपको जो इनकम है वो मैं अर्न करके दे सकता हूँ और मैं करूँगा। तो इस हिसाब से उन्होंने मुझे बताया था। और मैं तो पूरी डर गई थी कि पूरा काम रैप अप करके, कि इतना अच्छा चलने वाला बिजनेस जहाँ पे हमारा 1-1.5 लाख का इनकम है, घर का खर्चा हमारा जो है, तो मैं वो सब सोच के मुझे पूरा टेंशन होने लगा। मेरा मतलब सर चकराने लगा कि इन्होंने क्या मतलब डिसाइड किया। मैं सोचने लगी कहाँ से मैं वेस्टेज लेके घर में आई हूँ और ये अभी सब अपना काम वाम छोड़ के ये करना चाहते हैं। तो बहुत मुझे फील हो रहा था कि मैंने क्यों वेस्टेज ज्वाइन किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं 6 महीने में तुम्हें यहाँ पे साबित करके दिखाऊंगा। अगर 6 महीना मुझे आप दे दो, अगर 6 महीने में अगर मुझसे नहीं हुआ तो जो हमारा काम है मैं फिर से शुरू करूंगा। किशोर जी पे तो मुझे पूरा भरोसा था कि वो अगर कोई चीज़ ठान लेते हैं तो वो पूरा ज़रूर करते हैं। जब मुझे खुद पे ही मतलब विश्वास नहीं था कि ये 6 महीने में हो पाएगा, क्योंकि हमने ये कभी किया नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग एकदम हमारे लिए, दोनों के लिए ये नया था फील्ड, तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि हम कर पाएंगे कि नहीं। पर किशोर जी पे मुझे पूरा भरोसा था कि वो अगर उन्होंने देखा है, उन्होंने अगर सोचा है तो वो ठीक ही होगा। अब इस बिजनेस में हम पूरी तरह से सीरियस थे। तो उसी दौरान हमारे अपलाइन जो है हिरेन सर और दीप्ति मैम, इनसे जाके हम मिले और उनको हमने बताया कि हम पूरी तरह से वेस्टेज करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे किया जाता है, पूरा प्लानिंग उन्होंने हमें बताया। हमने उनको ये की बोला कि हमें 1 साल में 1 लाख तक पहुंचना है, तो उस तरह से हम प्लान कर रहे हैं। तो उन्होंने जैसे बताया वैसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। और जनवरी 1 तारीख को 2019 को हमने पूरी तरह से सीरियसली इस बिजनेस को करना शुरुआत किया। पूरे जोश के साथ हमने काम की शुरुआत की। और दिन के हम 8-8, 10-10 प्लान दिखाते थे। रात को काफ़ी लेट हो जाता था हमको, 1-2 बज जाते थे घर आते हुए। मेरे जो 2 छोटे बच्चे हैं वो मेरे सास के पास रहते थे, तो वो भी कभी कभी रोते रोते सो जाते थे। सुबह भी हम जल्दी उठ के निकल जाते थे, तब बच्चे सोए रहते थे। इस तरह से हमने पूरा मतलब काम करना शुरुआत की। पर जो मेरे
रिलेटिव थे, कुछ दोस्त थे, उनको हमने प्लान दिखाया तो वो मुझे ही समझा रहे थे कि आप कहाँ पे फंसे हो, आप कौन सा ये काम, अच्छा अपना बिजनेस छोड़ के ये कौन सा आप काम कर रहे हो। तो ये बहुत सारे हमें समझाते थे, पर फिर भी हम काम कर रहे थे, पूरा चल रहा था, काफ़ी लेट लेट नाइट आना, जल्दी जाना, ये सब कुछ चल रहा था। जनवरी के 15 दिन निकल गए थे और कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी हमारे, और वही देख के हमें पूरा मतलब टेंशन हो रहा था मुझे कि हमने सही डिसीजन लिया है या नहीं, यही समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने मतलब जनवरी के 15 दिन के बाद धीरे धीरे एक ज्वाइनिंग आई, दो ज्वाइनिंग आई, उस दस दिन में जो मतलब एंड के जो 10 दिन थे उसी में हमारे 2-4 ज्वाइनिंग जो है वो आ गई, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमने मूव किए थे, तो उससे हमारा जो वॉल्यूम है था वो बन गया था। और जो पहला हमारा जो चेक आया था वो 10,000 का आया था, क्योंकि जनवरी का ही पहला चेक था जो 10,000 का आया था, तो इसलिए थोड़ा अच्छा लगा कि चलो वेस्टेज में पैसा तो आता है। वहाँ पे हमें एक बिलीव मिला कि ये 10,000 का चेक आया तो 1,00,000 का भी आता होगा, क्योंकि शुरुआत में हमें मतलब बिलीव नहीं था, जब पैसे आए तो थोड़ा बिलीव भी आ गया। और सेकेंड मंथ में हमने काफ़ी सारा स्ट्रगल किया, डबल काम करने का हमने डिसाइड किया। शुरुआत से ही हमने डिसीजन लिया कि हम जो फेब्रुवरी का महीना है वो बहुत अच्छे से काम करेंगे और इस 10,000 के चेक को हम बढ़ाएंगे करके, ये हम दोनों ने भी डिसाइड किया और उस हिसाब से हम काम करना शुरुआत किए। और जिनको जिनको हम प्लान दिखा रहे थे, बता रहे थे, वो सब हमें मना कर रहे थे, कोई मना कर रहा था, कोई ज्वाइंट हो रहा था, ऐसे करके काम चल रहा था। और जो फेब्रुवरी का जो हमारा चेक था वो हमारा जो है वो 5,000 का आया, तो वो 5,000 का चेक देख के मेरे तो होश ही उड़ गए कि मैं बोले अगर 5,000 का चेक आएगा तो घर कैसे चलाएंगे और कैसे ये करेंगे। तो ये जो बात है, मैं किशोर जी से कहने लगी कि इस महीना तो 5,000 आया है, तो किशोर जी बोले अगर 5,000 आया है तो अगले महीना और बढ़ के आएगा, तुम टेंशन मत लो, हम काम करेंगे तो ज़रूर आएगा। अब टीम में कुछ लोग थे जो काम कर रहे थे, उसी दौरान एक जो व्यक्ति हमारे मतलब दोस्त थे मेरे, मैं कब से किशोर जी से बात कर रही थी कि उनको प्लान दिखाते हैं, उनको प्लान दिखाते हैं, तो किशोर जी टाल रहे थे, आज नहीं कल नहीं, ऐसे करके आगे पीछे हो रहा था। तो एक दिन मैंने उनसे कहा नहीं आज हम इनको प्लान दिखाएंगे, और ऐसे करके किशोर जी को मैं लेके गई और हमने प्लान दिखाया उनको। और जो जिनको हमने प्लान दिखाया उनका नाम है विंसन फर्नांडिस जी, तो उनको प्लान दिखाया और आप मतलब यकीन नहीं करोगे कि वो हमारा पहला डायरेक्टर बने और हम उस महीना हम सिल्वर हो गए। तो आप मतलब इस बिजनेस में आप सोच नहीं सकते कि आपके जीवन में अचानक कौन आएगा, और वो जहाँ पे हमको भरोसा नहीं था कि वो व्यक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको जमेगा, किशोर जी जी उनको ताल रहे थे, तो ऐसे हम मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति आ सकता है कि आप बिजनेस में आ सकता है कि आप उस टाइम पे ग्रो हो सकते हो। तो किसी भी इंसान को आपको एज अ ये नहीं करना है कि उनको बाजू में नहीं रखना है कि इन्हें नहीं दिखाएंगे, उसको नहीं दिखाएंगे, इसको प्लान दिखाएंगे तो ये करेगा वो करेगा। जो आप जो बोलते हो ना कि ये करेगा वो कभी करता नहीं है, और जो नहीं करेगा ऐसा जिससे हम समझते हैं वो कर जाता है। अप्रैल के महीना जब आया तो हमें बूट कैंप के बारे में मालूम पड़ा और किशोर जी इसके लिए बूट कैंप जाने के लिए तैयार हुए, और वो बूट कैंप था लोनावड़ा में, तो वहाँ पे किशोर जी गए। और वहाँ 3 दिन जाने के बाद जब वो घर पे लौटे तो हमारे घर में मीटिंग हुई, और हम सब मतलब मम्मी मैं और बच्चे को बिठा के उन्होंने हमसे बात की कि हमें 90 डेज का प्लान करेंगे। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि 90 डेज का, क्योंकि मैंने अटेंड नहीं किया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि 90 डेज क्या होता है।
तो उन्होंने सब मुझे बताया कि ऐसा ऐसा होता है, उसमें हम 90 डेज में मैं काम करूँगा और इस टाइम पे मेरे ना आने का टाइम होगा ना मेरे खाने का टाइम होगा, इस टाइम में आप मुझे कुछ भी नहीं बोलोगे, आप घर का बच्चों का जो भी है वो आप देखोगे, मैं सिर्फ बिजनेस में ही इन्वॉल्व रहूँगा। फिर हमने 1 मई से 90 डेज का प्लान की शुरुआत की और मई जून जुलाई और अगस्त 4 महीने में हमने डायमंड शिप अचीव किया और आपको बताने में इतनी खुशी हो रही है कि हम 1,25,000 के पे आउट पे गए थे उसमें ना, और ये हो सका क्योंकि हम जो बूट कैंप की बदौलत हम ये कर पाए और जो MWW का सिस्टम है उन्होंने हमें मतलब सिखाया, दीपल मैम और नीलेश सर इनको मैं थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमें जैसे बताया वैसे हमने वो बूट कैंप का जैसे 90 डेज का प्लान बताया था उस तरह से किशोर जी और मैंने किया। फिर 8वें महीने में हम डायमंड बने और फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, काम बहुत अच्छे से चल रहा था। हम 2020 फरवरी में हम क्राउन डायरेक्टर बने और उसके बाद मार्च में तो आपको पता ही है लॉकडाउन हो गया। मैं ईश्वर को थैंक्स करना चाहूँगी और इस लॉकडाउन के दौरान अगर हम हमारे पहले वाले अगर बिजनेस में होते तो हम कहीं के नहीं रहते थे क्योंकि जिस तरह से सब कुछ बंद हुआ हमारा भी बिजनेस वैसे ही बंद होता था, पर हम वेस्टिज में थे, बहुत अच्छे से हम फिर भी ग्रो कर रहे थे। और आप यकीन करिए दोस्तों, हमारे जो लॉकडाउन के पीरियड में भी हमने हमारा जो इनकम है वो 5.5 लाख रुपए का हमने मतलब इनकम किया और हमारा बहुत अच्छे से मतलब घर में बैठ के हमने ये अचीव किया। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी जो विश्वास हमें दिया MWW के प्लेटफॉर्म पे, ये विश्वास मिला कि हम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं और दीपल मैम नीलेश सर के ट्रेनिंग्स इस वजह से भी हम उतना बिलीव कर पाए और सिस्टम जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम की वजह से हम ये कर पाए। किशोर जी के विजन के लिए बहुत दाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे जो कहा था कि इस बिजनेस के माध्यम से हम बहुत ऐसे लोगों से, बहुत अच्छे लोगों से हम मिलेंगे, तो वो बात आज सच हो रही है। मेरे टीम में ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेरी अच्छी टीम है, ये बहुत लीडरशिप जो है वो अभी ग्रो कर रही है और बहुत अच्छे मतलब लोग मिले हैं हमें और हमें बहुत प्यार करते हैं और हम भी उनको प्यार करते हैं। तो इसके लिए मैं ईश्वर से हमेशा थैंक यू कहूँगी कि इतने अच्छे लोगों के साथ हमें मिलाया। और हमारे जो अपलाइन है दीप्ति मैम और हिरेन सर और विंचुरे सर जी, इनका भी हमेशा हमें साथ मिला है इस प्लेटफॉर्म में आगे जाने के लिए। और ख़ास करके मैं विंचुरे सर का बहुत ही मतलब थैंक यू कहना चाहूँगी उनको क्योंकि उन्होंने समय समय पे हमें साथ दिया है, हमें आगे बढ़ने के लिए इंकरेज किया है कि आप करो, आप कर सकते हो, आप बढ़ सकते हो। और हिरेन सर ने भी बहुत साथ दिया है हमको, दीप्ति मैम ने भी बहुत आगे जाने के लिए, हमें इस बिजनेस में टिकने के लिए हमें हमेशा प्रोत्साहन किया है। और सबसे मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी मेरे प्यारी सी दीपल मैम और नीलेश सर का, तो उनको मैं थैंक यू दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो इतना हमारे बारे में सोचते हैं और सबके बारे में सोचते हैं और हम आगे कैसे बढ़े उसके बारे में हमेशा वो आगे रहते हैं कि हम कैसे आगे बढ़े। दोस्तों अब हम हमारे सपनों के बारे में बात करेंगे। हमारे बहुत सारे सपने हैं पर उसमें से जो फोकस एकदम अभी जो फोकस में है 3 सपने। पहला जो है हमारा इकोस्पोर्ट जो हमने बुक की थी अप्रैल में, पर कोरोना की वजह से जो मेरे बर्थडे पे आने वाली थी 10 तारीख को तो वो कोरोना की वजह से नहीं आ पाई, तो अभी हम लेने जा रहे हैं 12.5 लाख की इकोस्पोर्ट, वो अभी आ रही है सितंबर में हम लेने वाले हैं। पूरा प्रोसेस हो चुका है, बस डिलीवरी लेनी बाकी है।
और दूसरा जो मेरा सपना है 3 BHK, मेरा खुद का घर, हमारा किशोर जी का और मेरा, वो हम लेने जा रहे हैं 2021 में 25 तारीख को, नवंबर में, और जो हमारी एनिवर्सरी है 25 तारीख को, तो उस दिन हम उस घर में जाएंगे। और जो हमारा तीसरा सपना है, जो फोकस है, वो 2022 में जो हमारी, मेरी और किशोर जी की फेवरेट कार, मर्सिडीज बेंज। तो हुई हमारे सपनों की बात। अब मैं बात करूंगी हमारे जो टीम लीडर है उनकी बारे में बात करूंगी। उनके सपनों की जो गाड़ियां है, उन्होंने भी अभी गोल लिया है कि 2021 तक मार्च में हमारे टीम में 10 गाड़ियां आने वाली है। तो बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत खुशी है कि हमारे साथ हमारे जो लीडर है वो भी ग्रो कर रहे हैं और उनके भी सपने पूरे हो रहे हैं वेस्टिज की वजह से। तो ईश्वर को मैं धन्यवाद कहूंगी कि ऐसे ही सबके सपने पूरे हो और ऐसे ही सब ग्रो करे। खास बात यह है कि मेरे टीम में बहुत सारी लेडीज है जो अपनी गाड़ी लेने जा रही है और बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रही है। तो लेडीज के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जो अपना घर संभालते हुए भी इस प्लेटफॉर्म पे अपना एक अपनी एक आइडेंटिटी कर सकती है और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है, खुद के लिए अर्न कर सकती है, जो हमेशा हमें मांगना पड़ता है किसी से, वो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे अंदर वो ताकत है कि हम कर सकते हैं। बस उसको आप जगाइए और बहुत अच्छे से ग्रो करिए। एक लेडीज होने के नाते किसी लेडीज को ग्रो करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे और किसी लेडीज को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमें हेल्प करने के लिए वेस्टिज तैयार है, MWW का प्लेटफॉर्म तैयार है और एज अ टीम हम भी तैयार है। क्या आप तैयार हो? तो चलिए कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। दोस्तों, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने मुझे अपना कीमती वक्त देके मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विश यू वेल।